उत्तराखंड में शीतकालीन विधानसभा सत्र कराने को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जहां आपको बता दें कि सरकार जहां विधानसभा का सत्र देहरादून में कराने जा रही है, तो विपक्ष ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार को विधानसभा का सत्र गैरसैंण में कराना चाहिए, न कि देहरादून में। राज्य बनने के बाद लगातार गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर तमाम घटक दल समय समय पर सरकारों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक समय समय की सरकारों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया। हालांकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर घोषित किया है। कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार को देहरादून में सत्र करने की वजह गैरसैंण में सत्र को कराना चाहिए था। आपको जानकारी दे दें कि 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कतई छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं उनका कहना है कि सरकार पहाड़ की हमेशा अपेक्षा करती है। कांग्रेस की सरकार में गैरसैंण ने शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक भी भाजपा सरकार ने वहां